हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू छंदस किचन एंड ब्लॉग। आज का जो वीडियो है बहुत मज़ेदार है और इस दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल होता है बंगाली लोग में तो बहुत अच्छा होता है, सब लोग को पता है। तो इस तरह का जो दशहरा का फेस्टिवल है बहुत मज़ेदार होता है। तो मैं आज छठे दिन निकला हूँ क्योंकि बहुत सारी भीड़ होता है। इस बार बारिश की वजह से और थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, लेकिन छठे दिन से मैं निकला है और मैं जितना भी घूमूंगी और आप लोग के साथ सारे शेयर करूंगी। क्योंकि इस फेस्टिवल में तो बहुत सारे खाना पीना होता है, बहुत मज़ा भी होता है, बहुत सारे फ्रेंड्स लोग के साथ मिलना जुलना भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत मज़ेदार है, फिर आप लोग देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं जितना भी घूमूंगी खाऊंगी सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये और एक दूसरा मंडप है तो उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो देखते रहिए। एक एक पेंडल बहुत अच्छे से सजावट किया है। बहुत ज़्यादा भीड़ होता है इसलिए हम लोग पहले से घूम लेते हैं। तो देखते रहिए। यहाँ पे सजावट अभी चल रहा है, मूर्ति का जो सजावट हो रहा है वो अभी चल रहा है। पुरोहित सब बैठे हैं, सजावट हो रहा है, तो देखिए इस तरह से ही होता है। इस बार वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया है, प्लीज आप लोग देख लीजिए वीडियो को, अच्छा लगे। कौन इस पर ज़्यादा घुमा है वो भी कमेंट करके बताना। मैं तो एक जितना घुमा हूँ सब आप लोग के साथ ही शेयर करूँगी।
तो अभी थोड़ा सा भूख भी लगा है, तो चलो अभी यहाँ पे दुकान बैठे हैं, इसमें पापड़ी चाट खा लेंगे। पापड़ी चाट मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सब कोई तो देखिए पापड़ी चाट खा रहे हैं हम लोग। तो देखिए पापड़ी चाट बना के दे दिया है भैया, जो दुकान वाले भैया है, तो देख सकते हैं ये है दुकान वाला, तो यहाँ पे पापड़ी चाट बना रहा है। मैं वो भी आज आप लोग के साथ ये भी शेयर किया है, ज़्यादा भीड़ होने से मैं नहीं कर पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो देखिए आज थोड़ा खाली है तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए मुझे तो किस किस को पापड़ी चाट पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने शेयर किया है और खाया भी है। तो देखिए बहुत अच्छे से बना रहे हैं ये जो पापड़ी चाट। पानी पूरी भी है लेकिन मुझे पापड़ी चाट खाने को मन किया तो मैंने पापड़ी चाट लिया है। तो चलिए और दूसरी तरफ। यहाँ पे भी और एक मूर्तियाँ है और इसका सजावट भी देखिए बहुत ही अच्छा है, जो जितना हो सके उतने अच्छे से सजावट किया है। बहुत बाहर में बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा है, तो बारिश थोड़ा कम हो जाता है तो हम लोग निकल जाते हैं थोड़ा सा देखने के लिए। यहाँ पे अभी भी बाकी है, यहाँ पे देखिए और चलते हैं। अभी और तो बहुत ही दूर है, थोड़ा सा दूर दूर में है तो पैदल जाना पड़ रहा है। जहाँ पे भूख लग जाता है वहाँ पे थोड़ा सा खा भी लेती हूँ। तो देखिए जो मंदिर है बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो चलिए अंदर जाके आप लोग को सब कुछ शेयर करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मुझे बहुत ही अच्छा लगा है तो मैं थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वॉलेंटियर भी है खड़े हैं। तो देखिए अभी सामने जो है हिरण का मूर्ति है, ये भी बहुत सजावट बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए दो साइड में दो हिरण है, बहुत एक में बहुत अच्छा लग रहा है, तो देख सकते हैं। और वो घर से भी देख रहा है, सजावट मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऊपर देखिए बटरफ्लाई है और फ्लावर जैसे डेकोरेशन किया है एकदम ऊपर में, और ये जो फ्लावर है बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर बटरफ्लाई भी है। इस डिजाइन को देखिए बहुत सारे Thank you.
चलिए थोड़ा सा आप लोग को घुमा के दिखा देती हूँ। आज का वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो देख सकते हैं ये बड़ा हिरन है सबसे, और बहुत अच्छा लगा है। सब लोग बहुत अच्छे से फ़ोटो भी खींच रहे हैं। तो चलिए देखते रहिए। तो चलिए आप बाहर निकल जाएंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं, दिखा देंगे तो देख सकते हैं लास्ट तक। चलिए आप निकल जाए, लास्ट का पोजिशन है, आप निकलने का बारी है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस पेंटिंग को, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए हम लोग आ गए हैं बाहर। ये पीछे का गेट है, देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा है। इधर से भी लोग जा रहे हैं, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है इसी वजह से इधर से भी जा रहा है। मानुष के से समस्त कम्पानी के से समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान के धन्यवाद जानाते चाहिए जर ऐकान्तिक प्रचेषा छाड़ा विशाल आयोजन कभी सम्भव हो उठतना। जरा सहयोगित हाथ बाड़िए दिए प्रथम सेंट एंटरप्राइज किडी शॉप बेबी डायपर और सैंडल्स पैटर्न एक विश्वसनीय प्रतिष्ठान। ये प्रतिष्ठान पश्चिम मेदिनीपुर। तो ये है लास्ट मंडप, हाँ देख सकते हैं। तो दिखाएंगे बाहर से, सब लोग फोटो खींच रहा है। ये इंगित क्लब है, ये क्लब का ये पैंडल है। तो थोड़ा सा अंदर ज़्यादा भीड़ है इसलिए मैं बाहर से फ़ोटो खींच रही हूँ। तो आप लोग देखिए, तो इस लास्ट मंडप के साथ आज का घूमना ख़त्म है। और थोड़ा सा दिखाएंगे नवमी का खाना पीना, और लास्ट में रहेगा धुनोची डांस के साथ वीडियो। तो चलिए ये अभी देख लेते हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा दिख रहा है जो मूर्ति का फोटो है अंदर, इसलिए मैंने नहीं जाया। तो ये है नवमी का बसंती पुलाव, तो देख सकते हैं साथ में आलू का भुजिया, थोड़ा सा बीन्स का फ्राई, और ये है आलू का दम, आलू दम और